नमस्कार। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें। आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से कि हम लोग आज जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण है। पहले जो हम लोग अपने विचार किए हैं वहीं आज हम हैं। तो मैं एक जगह देखी कि महात्मा बुद्ध के उपदेश में मैं देखी कि वो लिखे थे कि आज हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। तो मुझे भी यही कहना है आप लोगों से कि आज से ही, अभी से ही, जब हम लोग जान गए हैं कि अपने अवचेतन मन को वश में करके कैसे हम लोग अपने मन में अच्छा विचार ला सकते हैं और उसी अच्छा विचार को हम लोग अपने मन में रख कर अच्छा से अच्छा सब कुछ पा सकते हैं, तो आज मैं यही आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि आप लोग भी अपने विचारों को बदलिए और अपने अवचेतन मन में उसी बात को बैठाइए। एक जगह और मैं देखी थी कि जो चाहेंगे वहीं पाएंगे, जो चाहेंगे जो देखेंगे वहीं पाएंगे, ये भी है कि जो देखना है उसी को पाना है। यदि हम लोग सुख को देख रहे हैं तो सुख को पाएंगे, दुख को देख रहे हैं तो दुख पाएंगे, तो ये सब भी है। तो हम लोगों को आज से क्या करना है, अपने विचारों को एकदम नियंत्रित करना है, विचारों को नियंत्रित करना है और उसी पर ध्यान केंद्रित करना है जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए उसी पर ध्यान को केंद्रित करना है। तो आज से ही हम अपने विचार को बदलेंगे और उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें चाहिए। पहले तो हम लोग भी नहीं जानते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, तो सब कुछ को बराबर ही देखते थे, सब कुछ को बराबर ही समझते थे, देखते थे जो आज हम लोगों का जीवन है। तो आज से अपने जीवन को कंट्रोल करना है, अपने विचारों को कंट्रोल करना है, अपने शब्दों को कंट्रोल करना है और अपने सब कुछ को कंट्रोल करके चलना है आज से, कि आज से ही हम लोग। और आप लोग तो जानते ही हैं कि अब बुद्ध भगवान भी कह रहे हैं कि हम आज जो भी हैं पुराने विचारों के कारण है, तो आज से ही हम लोग अपना विचार बदलेंगे। और आप लोग तो कभी कभी देखते ही होंगे कि कुछ आदमी ज़्यादा सुखी है, कुछ आदमी ज़्यादा दुखी है, ऐसा क्यों है। कुछ लोग एकदम सब कुछ में संपन्न है, स्वास्थ्य से लेकर धन तक सब कुछ में संपन्न है, और कुछ लोग के पास न स्वास्थ्य है न धन है। तो इसी यही है कि हम लोग जो अपने विचार में ला रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही हो रहा है। तो आज से ही हम लोग को अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने विचार को कंट्रोल करना है। विचार को कंट्रोल तो उतना नहीं किया जा सकता है, फिर भी जो आ रहा है उसको आने दीजिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए, जाने दीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अपने विचार को एक जगह ज़्यादा सकारात्मक पर ही रखना है, ज़्यादा सकारात्मक सोच को ही करना है, ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें ही देखनी है, सकारात्मक विचार ही सोचना है और अपने जीवन को बदलना है हम लोगों को। तो आज से ही अपने विचार को एक नया मोड़ पर ले जाइए, एक नया विचार शुरू कीजिए, एक नया इच्छा हम लोग अपने मन में पालेंगे कि नहीं, मुझे यही चाहिए, और अपने पुराने विचारों को छोड़ देंगे। आज जो हम हैं वो नहीं रहेंगे, जब अपने विचार को नियंत्रित कर लेंगे, अपने इच्छा शक्ति को ज़्यादा अपने इच्छा पर ध्यान देंगे कि नहीं मुझे ये ही चाहिए, तो वही होगा और हम लोग अपने विचार को नियंत्रित करके आगे, बहुत आगे जा सकते हैं। और मैं भी ये सब बातें बहुत अनुभव की हूँ कि इस तरह से ज़रूर होता है। जब हम लोग अपने विचार को एकदम सकारात्मक ही बना लेंगे, सकारात्मक ही सोचेंगे, सकारात्मक ही देखेंगे,
तो निश्चित है कि सफलता हम लोगों के हाथ में है दम से। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।